कि ये नौजवान आया है लखनऊ में, तो ये जरूरी नहीं जिस नाम से आए उसी नाम से वापस जाओ। नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है, तुम्हें डराएंगे नहीं, केवल तुम्हारा नाम बदल देंगे। ऐसी मुख्यमंत्री और ऐसी सरकार जिसने कितने बड़े सपने दिखाए कि हम देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, अर्थव्यवस्था बना देंगे, कितना बड़ा सपना, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना देंगे। हम आप लोग अगर गिनती करें, शून्य गिने तो नहीं गिनता हूं, उसके पीछे जीरो कितने हैं। अगर दिल्ली में कहा गया कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री जी क्यों पीछे रहते? उन्होंने कहा कि इस 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में अगर भागीदारी उत्तर प्रदेश की होगी तो 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं जो लैपटॉप ही नहीं चला पाते हैं, इसीलिए बताओ नहीं तो बताओ वो 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कैसे बना देंगे। 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का मतलब है कि हमारे नौजवानों के हाथ में नौकरी रोजगार होगा, कारोबार चल रहे होंगे, उद्योग लग रहे होंगे, सब पर गाड़ी होगी, मकान होगा। 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का मतलब है कि गाड़ियां होंगी, घर होंगे पक्के, नौकरी रोजगार होगा, कपड़े अच्छे होंगे, आने जाने की व्यवस्था अच्छी होगी, तब 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। वहां बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए थे, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े कागजों पर दस्तखत हुए थे, एमओयू साइन हुए थे, प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति जी आए, लेकिन जो वादा उद्योगपतियों ने किया था कारोबार लगाने के लिए, वो उत्तर प्रदेश को वो पैसे नहीं आए। कहा कि 4 लाख से ज्यादा हमारा वो हो गया एमओयू, 4 लाख करोड़। लेकिन अगर हकीकत देखोगे तो कोई जमीन पर नहीं दिखाई देता, कागज पर तो दिखाई देता लेकिन जमीन पर नहीं दिखाई देता। और कैसी कैसी चीजों का हमें सामना करना पड़ा। यहां हमारे विकसित समाज के लोग हैं, छोटा मोटा कारोबार कर लेते हैं, उसमें सरकार का योगदान नहीं है। आप हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसकी वजह से पटरी पर थोड़ा बहुत आ रही, और लोगों की कितनी जान चली गई कोरोना के समय पर, हमारे आपके सगे संबंधी लोगों की जान चली गई, बहुत से यहां बैठे होंगे जिनके बहुत करीबी लोगों की जान चली गई, जो दवाई थी, जो इलाज था, वो भी सरकार नहीं उपलब्ध करा पाई, अस्पतालों में बिस्तर की जरूरत थी वो उपलब्ध नहीं करा पाई सरकार, और केवल ऑक्सीजन मिल जाती न जाने कितने लोगों की जान बच जाती, लेकिन ये सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, बेड नहीं दे पाई, दवाई नहीं दे पाई। उस समय भी अगर कोरोना के समय पर कोई चीज मदद कर रही थी तो वही समाजवादी सरकार की चलने वाली एम्बुलेंस हमारी आपकी मदद पहुंचा रही थी। इन्होंने कोई अस्पताल नहीं बनाया, यहां ये मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर उतार रहे थे कोरोना के समय पर, कोई अस्पताल उनका बनाया हुआ नहीं था। जो कुछ अस्पतालों में गए थे वो नेताजी और समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार के बनाए हुए अस्पताल थे, और ऐसा लॉकडाउन किया कि हमारे मजदूरों की जान चली गई। लोग गुजरात से चल करके आए, महाराष्ट्र से चल करके आए, ऐसी दर्दनाक कहानी दुनिया में नहीं मिलेंगी। ये दुनिया के बराबर काम करना चाहते हैं, दुनिया के बराबर खड़े होना चाहते हैं, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी दिखा करके चीन और अमेरिका को दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसी अर्थव्यवस्था बनेंगे, लेकिन जब संकट आया, जब परेशानी आई, तो यह सरकार उद्योगपतियों के साथ खड़ी थी, बड़े लोगों के साथ खड़ी थी, बड़े लोगों के लिए हवाई जहाज चल रहे थे, उनके हवाई जहाज दुनिया के कहीं से भी आ सकते थे, लेकिन हमारे मजदूरों को मजबूर कर दिया, पैदल पैदल गए और वो तब जाकर के अपने घर पहुंचे थे, कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया था। और कह रहे थे कि ट्रेन हम इसलिए नहीं चला रहे हैं, बसें इसलिए नहीं चला रहे हैं क्योंकि कोरोना फैल जाएगा। वही तो हमने लोकसभा में कहा था कि यह कोरोना हवाई जहाज से आया है, ये पैदल से चल करके पहुंचने वाला कोरोना नहीं था, पैदल चलने वालों के कोरोना नहीं हुआ, उन्होंने नहीं फैलाया, हवाई जहाज से जो चीजें आई थी, अगर सरकार सही समय पर लॉकडाउन करती तो शायद बहुत बड़े पैमाने पर बीमारी रोकी जा सकती थी। लेकिन मजदूरों को कैसे छोड़ दिया, जाओ पैदल पैदल चले जाओ घर अपने। ऐसे दर्दनाक कहानियां किसी देश में नहीं देखने को मिली होंगी। और फिर जब गंगा मां के अंदर लाशें बह रही थी,
बक्सर में लाशें मिली, गाजीपुर में लाशें मिली, बनारस में मिली, उन्नाव में मिली। बड़े पैमाने पे गंगा के किनारे गरीब थे वो, जिन परिवारों को लकड़ी नहीं मिली जलाने को, अंतिम संस्कार करने का उन पे पैसा नहीं था। मजबूरी में रात में छिप करके वो अपनी वहीं पर गंगा मैया के किनारे छोड़ करके चले आए। और सरकार से पूछा कि आखिरकार, भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि आखिरकार गंगा मैया में इतनी लाशें क्यों बह रही हैं? याद करो जो पहली बार जवाब दिया था उन्होंने, कहा कि ये लाशें बिहार से बह करके यूपी में आ रही हैं। याद करो, कौन समझाएंगे भारतीय जनता पार्टी वालों को, वहां गंगा ऊपर से बह करके बिहार की तरफ जा रही है, ये उल्टी गंगा बहा रहे थे, सोचो। और इतनी बदनामी कभी भारत की नहीं हुई होगी जितनी मां गंगा ने जो लाशें वापस कर दी, जिसके कारण भारत की बदनामी हुई है। इसलिए आज जब विश्वकर्मा जयंती के दिन हम लोग बैठे हैं, बहुत बड़े सवाल है देश के सामने। ये लोग जो हैं, इनके यहां प्रशिक्षण केंद्र चलता है झूठ का। हम सब लोग सीधे साधे लोग हैं, मोबाइल पर कोई बात आ गई तो उस पर भरोसा कर लिया, नई चीजें चलने लगी है फेसबुक वाली, उस पर भरोसा कर लिया। याद रखना, इसमें बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं। ये जो दिवाली के दिन कभी कभी हम लोग रावण जलाते हैं, दशहरा के दिन, इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये ई रावण बैठे हुए हैं जो हमारे आपके खिलाफ फैलाते हैं चीजें। सोचिए क्या क्या फैलाने लगते हैं ये लोग, ये सब पैसे से और प्रशिक्षण पाकर के फैला रहे हैं। इसलिए हमें और आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, बहुत सावधान, क्योंकि यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। बिहार में देखा, बंगाल में चुनाव देखा, बिहार का चुनाव अलग था। और बिहार के चुनाव को बताओ बेईमानी हो गई कि नहीं हुई बेईमानी? बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की। लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया, हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी, और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है, क्योंकि भविष्य का सवाल है, लोकतंत्र का सवाल है। और सवाल यह है कि जो इन्होंने जनता को वादे किए थे वो कोई पूरे नहीं किए। कहा कि किसानों की पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे, अगर गन्ना किसान होगा तो उसका भुगतान हो जाएगा, कीमत सही समय पर मिल जाएगी। बताओ गन्ना किसानों का भुगतान हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है? या हमारे जो इस हिस्से के लोग जहां पर गन्ना पैदा होता होगा वो जानते होंगे कि अभी भी सरकार भुगतान नहीं करा पा रही है। बिजली का बिल कितना महंगा हो गया बताओ, बिजली बनाई नहीं मुख्यमंत्री जी ने। ये जो मुख्यमंत्री जी है, जैसे लैपटॉप चलाने नहीं जानते वैसे बिजली कहां बनती है भी नहीं जानते, क्योंकि बिजली के प्लान जो समाजवादी सरकार में लगे थे आज तक उनका नाम नहीं लिया इन्होंने। अगर एक जगह नाम लिया हो तो बताओ हमारे पत्रकार साथियों, जो कानपुर में लग रहा है 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, आज तक नाम नहीं लिया। हरदोगंज में जो लग रहा है 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, उसका नाम नहीं लिया। एटा के लोग जानते होंगे 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बिजली का लग रहा है, वो नहीं जानते। कोई लोग कह रहे हैं कि वो जानबूझ करके नाम नहीं लेते। तो सोचिए आप कि जब बिजली नहीं बना रहे, जो बिजली समाजवादियों ने बनाई वही मिल रही है, जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन थी, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, अगर किसी ने अच्छा किया तो समाजवादी लोगों ने किया। और जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी, ना हमारा कारोबार बढ़ेगा, ना हमारे लोगों के बीच में खुशहाली आएगी। जो कुछ हम लोग कमा रहे हैं, जो कुछ कारोबार कर रहे हैं, ये बिजली हमारे सब पीछे ले जा रही है। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.